बॉलीवुड के बेस्ट कपल केबीसी के मंच बनाए हैं एक मकसद के लिए, कैंसर से पीड़ित इन मासूम। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 हा सर्वांच्या आवडत्या शो पैकी एक शो आहे। सध्या शुक्रवारच्या एका भागाचा प्रोमो दाखवला जातो, यामध्ये अमिताभ बच्चन यांनी रितेश देशमुख आणि जेनेलिया डिसोजाचं स्वागत केलं। बॉलिवूड के बेस्ट कपल केबीसी के मंच बनाए हैं एक मकसद के लिए, कैंसर से पीड़ित इन मासूम। कैंसरग्रस्त मुलांच्या उपचारासाठी मदत म्हणून पैसे जमवण्यासाठी त्यांनी हा शो मध्ये भाग घेतला होता। बॉलिवूड के बेस्ट कपल केबीसी के मंच बनाए हैं एक मकसद के लिए, कैंसर से पीड़ित इन मासूम। प्रोमो मध्ये अमिताभ बच्चन यांनी या स्टार कपलचं स्वागत केलं। बॉलिवूड के बेस्ट कपल केबीसी के मंच बनाए हैं। यावेळी कर्करोगानं ग्रस्त असलेल्या मुलांची एक क्लिप दाखवण्यात आली। कैंसर से पीड़ित इन मासूम बच्चों के लिए। या प्रोमो मध्ये मुलांच्या प्रतिक्रिया ऐकून सर्वांचे डोळे पाणावले। एकदम खुश रहना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। यहाँ आकर देख के तो मुझे लग रहा है कैंसर डॉक्टर ही बनू। यावेळी त्यांच्याकडे पाहून जेनेलिया देखील स्वतःचे अश्रू रोखू शकली नाही। बिग बी अमिताभ बच्चन आणि रितेश देशमुखही ही क्लिप पाहून सुन्न झाले। मुलांवर काय परिस्थिती ओढवली आहे हे आपण कधीच समजू शकणार नाही, असंही रितेश यात बोलताना दिसतोय। बच्चे पर क्या बीती है ये हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे। एकदम खुश रहना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तर बिग बींनी या दोघांचं कौतुक केलं। समाजात बदल घडवण्यासाठी दोघांनी केलेल्या प्रयत्नाचं अमिताभजींनी यावेळी कौतुक केलं आणि त्यांचे आभारही व्यक्त केले। इमोशनल बाबींविषयी केबीसीचा हा एपिसोड कॅन्सर से पीडित इन मासूम बच्चों के लिए। बच्चे पर क्या बीती है ये हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे। एकदम खुश रहना चाहिए। रितेश, हैट्स ऑफ टू यू बिकॉज एफर्ट दैट यू मेड। रितेश आणि जेनेलियाचा अनेक किस्स्यांनीही भरलेला आहे। काय करतो जब ये प्लॅन बनता ना, कल हम डिनर कर ले बाहर जाए, तुम्हें बोलता कल क्या खूबसूरत लगोगी तुम। या एपिसोड मध्ये रितेश जेनेलिया समोर बसून बिग बी यांचे डायलॉग आपल्या अंदाजातही म्हणताना दिसणार आहेत। मेरे लिए जहां तुम खड़ी हो जाती हो लाइन वहीं से शुरू। में तो हम तुम्हारे पति लगते हैं लेकिन नाम है जेनेलियाचा नवरा। कसा वाटला तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ? आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करून नक्की कळवा। या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनचं ते बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला आमच्या पुढच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील। मराठी चित्रपट, नाटक, टीव्ही, OTT अशा मनोरंजन क्षेत्रातल्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी सबस्क्राईब करा मराठी व्हायरल स्टार्स।